एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन कोई भी निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः दो बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आए। इधर युधिष्ठिर के जन्म होने पर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के हृदय में भी पुत्रवती होने की लालसा जागी। गांधारी ने वेदव्यास जी से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण के पश्चात दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो क्षोभवश गांधारी ने अपने पेट में मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। योगबल से वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र 100 कुंड तैयार करके उनमें घृत भरवा दो। गांधारी ने उनकी आज्ञानुसार 100 कुंड बनवा दिए। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का जिसे उस पिंड के अंगूठे के पोरवे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दे अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंकने लगा। ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछे जाने पर उन लोगों ने धृतराष्ट्र को बताया, राजन आपका ये पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा, इसे त्याग देना ही उचित है। किंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र उसका त्याग नहीं कर सके। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी, अतएव उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई।
धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी युयुत्स नामक एक पुत्र हुआ। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथायोग्य कन्याओं से कर दिया गया। दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ।